का पैकेज या वहाँ से वहाँ या फिर यहाँ नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अच्छे तरह से ध्यान से करना। ऑलराइट, तो मैं हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ PIT का और मेरी प्लेसमेंट लग गई है, तो उसका वीडियो ऑफिशियली आउट हो चुका है, तो वो आप जाके पहले चेकअप कर सकते हैं, इसके बाद कंटिन्यू कर। ऑलराइट, प्लेसमेंट गाइड सीरीज पार्ट टू। तो ये इस वीडियो में देखने वाले कि कौन कौन से टाइप ऑफ कंपनीज होती है, क्योंकि VIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोग को या सबको या प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करनी होती है, तो वो लोग ने यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज सेलेक्ट कर लिया, मतलब कैटेगराइज कर लिया। तो अगर इसमें प्लेस हो गए तो इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है, इसमें प्लेस हो गए तो कौन सी कंपनी में एलिजिबल है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी है। सारे कॉलेज में ये होता है, उनमें यार कुछ कुछ कॉलेज में ये होता है कि अगर आप एक कंपनी के सिलेक्ट हो गए तो इसमें एलिजिबल है, और फिर फर्दर कोई भी कंपनी में एलिजिबल नहीं है, तो उस टाइप का यार वहाँ पे भी होता है। पर VIT में अच्छा है कि आपको एक का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। तो ऑलराइट, तो जो प्लेसमेंट के लिए जो भी कंपनीज आती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के लिए आती है। सबसे पहले जो आती है वो है सिर्फ इंटर्नशिप के लिए, आपको इंटर्नशिप करवाएगी, फिर कोई गारंटी नहीं कि कुछ है कि नहीं, मतलब फुल टाइम के लिए है। फिर दूसरी जो आती है वो है इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट ऑफर, यानी पहले इंटर्नशिप करो फिर आपकी जो ऑफर होगी वो प्लेसमेंट के लिए होगी। फिर तीसरी जो होगी वो है इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में आप अगर अच्छी तरह से किया और फिर परफॉर्मेंस अच्छा या फिर वो सब टेस्ट वो सब क्वालिफाई हो तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फुल टाइम के लिए। फिर फोर्थ जो आती है वो है कि सिर्फ प्लेसमेंट का ऑफर होता है, इंटर्नशिप नहीं होती है। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। तो सबसे पहले आती है वो सुपर ड्रीम प्लेसमेंट, यानी कि आपको सुपर ड्रीम प्लेसमेंट ऑफर मिली, तो आप अगर आपको वो मिल गए तो आपका फर्दर कोई भी एलिजिबल नहीं है, आपकी इंटर्नशिप हो या फिर प्लेसमेंट हो उनके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर दूसरी जो आती है वो है सुपर ड्रीम कंपनी इंटर्नशिप, तो इसमें क्या कि आप ड्रीम कंपनी की सिर्फ प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो, तो और इंटर्नशिप के लिए तो कोई भी एलिजिबल मतलब एलिजिबल नहीं है। फिर आती है वो है ड्रीम कंपनी की प्लेसमेंट, तो ड्रीम कंपनी में के लिए प्लेसमेंट आपको मिली है तो आप सुपर ड्रीम कंपनी की इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपको ड्रीम कंपनी की इंटर्नशिप भी मिली है तो आप सुपर ड्रीम कंपनी या फिर ड्रीम कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। और फिर आती है वो है रेगुलर कंपनीज, तो रेगुलर कंपनी में अगर आपको मिला है तो आप सुपर ड्रीम या फिर ड्रीम कंपनी के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारे रूल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे भी मतलब स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा रूल्स, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें एक सी भी गलती कर लोगे तो फंस जाओगे और फिर आपका पैकेज का या बहुत सारा डिफरेंस होगा। अरे हाँ, पैकेज से हमें बताने भूल गया, तो सुपर ड्रीम कंपनी में यानी कि सुपर ड्रीम कंपनी प्लेसमेंट ऑफर होता है उसमें जनरल पैकेज आपका 10 लाख के अबव होता है, अबव मतलब कुछ भी जा सकता है। फिर यहाँ पे भी बहुत मतलब ये इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलती करते हैं, यहाँ पे सुपर ड्रीम में कुछ कंपनी का 11 लाख होता है, कुछ कंपनी का 12 लाख होता है, कुछ कंपनी का 13 लाख मतलब 13 लाख से 14 या 15 हो सकता है, और कुछ और उसमें अगर कुछ बहुत ही बढ़िया कंपनी है तो उसमें यार 20 लाख 30 लाख 40 लाख डिपेंड करता है। तो आपको 20 लाख मिला या फिर 11 लाख मिला तो वो आपका काउंट होगा सुपर ड्रीम में। तो मेक श्योर करना, अच्छी तरह से ध्यान से रजिस्टर करना, जो एक गलती आपका पैकेज यार वहाँ से वहाँ या फिर यहाँ नीचे से ऊपर लेके जा सकते, तो अच्छी तरह से ध्यान से करना। और ड्रीम में यानी कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में होगा, और रेगुलर में 3 to 5 लाख के बीच में होगा। और एक जो आती है वो है रेस्ट्रिक्टेड ड्रीम ऑफर, तो रेस्ट्रिक्टेड ड्रीम ऑफर में ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी हो और आपका 2x पैकेज मिल रहा है तो उस कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 8 लाख की कोई कंपनी है और अगर आपको मतलब फर्दर एलिजिबिलिटी चाहिए तो आपको 16 लाख के पैकेज के ऊपर जो भी कंपनी आती है उनमें एलिजिबल है। तो ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि यार रेस्ट्रिक्टेड ड्रीम ऑफर में ये होता है कि जो कंपनी मतलब होती है वो काफ़ी वेल नोन होती है और काफ़ी एस्टेब्लिश होती है और इसकी मार्केट में इमेज बहुत ही ऑसम होती है, तो इसलिए यार वो लोग का डिसेंट सा पैकेज होता है तो वो लोग को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। तो इसमें भी इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम ऑफर या वो सब हो सकता है, तो आपके अकॉर्डिंग है जो आपको लेना होता है, मैं तो सिर्फ गाइड करने वाला होता हूँ। फिर और एक जो ऑफर होती है वो होती है मार्क्विन ऑफर, तो मार्क्विन ऑफर में ये होती है कि अगर आप सुपर ड्रीम कंपनी के लिए भी एलिजिबल मतलब प्लेस्ड हो गए हैं पर आपका पैकेज 20 लाख के बिलो हो,
तो आप मार्क ट्वेन ऑफर के लिए भी एलिजिबल थे। और उसमें यार वो लोग का जो भी मतलब CDSE का फॉर्मल ऑफिशियल मेल होता है तो वो लोग का कम्प्लीटली मैंशन कर देते हैं कि ये कंपनी वाले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उनका पैकेज 20 लाख का वो है, तो वो लोग ये ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो भी मतलब सुपर ड्रीम वाले जो प्लेस्ड हुए हैं इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम के लिए, तो वो लोग एलिजिबल हैं बिलो 20 लाख वाले। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो वो ऑफिशियल मेल में सब कुछ मैंशन किया होता है, तो आप रीड आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपनी के टाइप होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, और डिफरेंट मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट और वो सब के टाइप्स ऑफ वो सब भी हो गए। अब एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी में अप्लाई करो मतलब अच्छी तरह से मतलब ये कैटेगरीज और वो सब मतलब कंपनी का सिलेक्शन अच्छी तरह से ध्यान से मतलब सोच के करना। जल्दबाजी कुछ भी मत करना, आराम से करना। सिर्फ मेक श्योर करना कि जो भी डेडलाइन मतलब वो CDSE के ऑफिशियल मेल में दिया हो कि इतने टाइम के पहले रजिस्ट्रेशन करना, तो वो सब अच्छी तरह से करना, डेडलाइन मिस मत करना। तो ये था मेरा सजेशन, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता देना, और मेक श्योर करना कि लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे रीच आउट या फिर कनेक्ट कर लेना, बढ़िया रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.